केसेस का जवाब है और फिर एहतसाब के नाम पे जो इंतकाम है ये उसका जवाब है, अवामी रद्द अमल है ये। तो मैं समझता हूँ कि मेरा मुकदमा अवाम लड़ रहे हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान के अवाम लड़ रहे हैं और मैं उनको सलाम करता हूँ जो इस तनदेही के साथ मेरा मुकदमा लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा और लड़ेंगे अल्लाह के फज़ल से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि वोट का तकद्दस जो है उसकी आप अब मिसालें देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का रद्द अमल अब सब पे यहाँ है और कल तो उसका एक प्रैक्टिकल नमूना आपने देखा है कल वहाँ पर लोधरा में। और मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ हमेशा मेरे साथ प्यार मोहब्बत करते हैं, मुझे यहाँ रोक लेते हैं आप सीढ़ियों पे और मैं मुझे खुशी होती है आपसे बात करती हूँ। कोई अगर और सवाल हो तो नवाज के नीचे मैं काम नहीं करूँगा, क्या कहेंगे? जमात के अंदर एक रहनुमा है जो रावलपिंडी से मुसलसल रिडिक्यूलिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं मरियम नवाज साहब के बारे में भी और पार्टी को धमकियां भी दे रहे हैं कि शायद कोई डॉन लीक्स रिपोर्ट्स ले आएंगे, तो क्या पार्टी लेवल पे उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है या उनको दोबारा री इंगेज करने की कोशिश की जा रही है? खुल कर दिखाएं। ये सब एहतसाब की बात कर रहे हैं कि इंतकाम हो रहा है, इंतकाम क्यों लिया जा?